वो लेके चलता हूँ, मसला नहीं पड़ा। जो है ना हालात मुश्किल है, ये बंदे को देख सकते हो आप भागने लगा है। आप लोग देख सकते हो प्लांट ऑपरेटर यहाँ बैठा हुआ है। भाई क्यों बैठे हो यहाँ पर, क्या कर रहे हो? इधर मुंह करके बताओ ना। इधर भाई मसला लगा पड़ा है, प्लांट खोलना है, ये सारा सिस्टम इधर समझ ये वाला प्लांट खोलना है आपने? हाँ ये खोलना है, ये वाला प्लांट। अच्छा ये वाला प्लांट भाई हम लोगों ने खोलना है। तो भाई ये वो है ना, ये क्या कह रहे हो, पानी निकल रहा है कहाँ? बोर से पानी निकल रहा है, ये लाल भी लाल तुम जा रहे हो वहाँ? ठीक ठीक ठीक। तो भाई ये प्लांट वाला अभी उठ रहा है, अभी हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर देखने में मसला क्या आ रहा है। चुप, हमें तो पता ही नहीं है। तो भाई मसले को देखेंगे तभी डायग्नोज होगा। अदर केरन का टावर उठ रहा है, वो खुल रहा है सामने, अभी ये स्कूल को उतारेगा। चलो ये देख, वो वहाँ पर रिकॉर्ड करके भाई दिखाते हैं दोस्तों को, क्योंकि जब तक इनको रिकॉर्ड करके हम नहीं दिखाएंगे ना, ये लोग समझेंगे नहीं। समझ नहीं इनको समझाने। आप क्या कह रहे हो? बेजिंग प्लांट खोल रहे हैं। हम मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा। चल चलो चलो, आ रहे हैं देखने, आ रहे हैं। तो भाई हम लोग यहाँ पर आ गए, आप लोग देख सकते हैं ये अली क्रेन वाला जो है, ये अपना मशीन्स को के साथ उसको जो उसके जो बूम को है वो उठा रहा है। तो क्योंकि जब थोड़ा सा उसको उठाएगा तो उसके वो लूजिंग आएगी और नट बुल्ट हम लोग ढीले कर पाएंगे, अदरवाइज ये नहीं कर सकते। आप लोग देखते हैं ये ऊपर लड़का हमारा ऑलरेडी खड़ा हुआ है, जो इसके नट बुल्ट को वगैरह को जो है ढीला कर रहा है। बाकी ये प्लांट की आप लोग देख सकते हैं, ये अली है हमारा ड्राइवर, ये जो है ये वाला जो बंदा है, ये एक्सकेवेटर ऑपरेटर है, इसकी मशीन यहाँ खड़ी है। आप लोग देख, तो फिलहाल ये यहाँ पर इनके साथ हेल्प करवा रहा है। तो हम लोगों ने अभी इसको इंस्टॉल कर रहे हैं और उसके लिए बाहर हमारा ट्राला आया हुआ है जिस पे ये शिफ्ट होगा कराची। तो फिलहाल अभी इसकी इंस्टॉलिंग चल रही है, काफ़ी टाइम से ये लगा हुआ है, तकरीबन 3 साल हो गए इसको यहाँ पर लगा हुआ था। इसमें जो भी प्रोजेक्ट का सारा काम हमने यहाँ से निकाला है, इस प्लांट के थ्रू जो है हम यहाँ पर, हमने इस जगह पर जो इस लोकेशन पे हमने सबमर्सिबल पंप जो है उतारा हुआ है। तकरीबन 110 फुट इसकी हाइट है, डेप्थ है, और इसमें जो पंप उतार दिया गया है जिसके इन रस्सियों के थ्रू जो है वो हैंग हुआ पड़ा है। अभी इसको फिर निकालेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, उसके बाद जो है इसको फिर जो है हैंगिंग करेंगे। ये हमारे लड़की जो पूरी टीम है वो यहाँ पर काम कर रही है, आप लोग देख सकते हैं सामने ये सारे बैठे हुए हैं। तो ये अभी यहाँ पर जो है इसकी वर्किंग करी, मैं आप लोगों को पंप भी दिखाता हूँ। वहाँ पर दूसरा पंप पड़ा है जो दूसरे बोर में उतरेगा, ये वाला एक वाला हम लोगों ने उतार दिया है, ये दूसरे की जो है तैयारी चल रही है। तो इन लड़कों को मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये वहाँ पर बैठ के काम कर रहे हैं। वो आप देख सकते, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि ये क्रेन इसका बूम उतारेगी, तो ये बूम उन्होंने नट बोल्ट ढीले कर दिए थे, अभी वो क्रेन के थ्रू जो है उसको जो है नीचे करेंगे, ये आप लोग देख सकते हो। ठीक है, बाकी मैं आप लोगों को ये दिखा दूँ, ये हमारे सबमर्सिबल जो पंप है जो बोर में अंदर जाएगा, ये दूसरा वाला जो बोर है वो ये वाला है। तो ये सामने आप लोग प्लास्टिक का पाइप देख सकते हैं, इसमें ये उतरेगा। ये आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा बड़ा हिस्सा है, ये जो मेन जो बंदा है। बाकी ये जो सबमर्सिबल पंप जो है यह पड़ा हुआ है, ये 6 इंच का है और 4 इंच का जो है पानी का सप्लाई करता है। ये इसका पाइप पूरा पड़ा हुआ है, देख सकते हैं 110 फुट की ये है, डेप्थ पे अंदर जाएगा। तो भाई हम लोगों ने ये जो है इंस्टॉलेशन चल रही है, सारी टीम बैठी हुई है हमारी ये इंस्टॉलेशन करने के लिए, तो इसकी वर्किंग चल रही है। आप लोग देख सकते हैं ये निसार है, इसके जो है वाटर प्रूफिंग जो है जॉइंट्स लगा रहा है। दिखा दूँ भाई, ये जो है इंस्टॉल उन्होंने कर लिया है अपना, इसका जो पाइप होता है सीमेंट सेकंड पाइप। ओह माय गॉड, तो ये उन लोगों ने उतार दिया है, अभी ये स्लो स्लोली इसको नीचे कर रहे हैं। आफ्टर देर इसको यहाँ पर नीचे रखेंगे, उसके बाद जो है इस गाड़ी में दूसरी गाड़ी में शिफ्ट होगा, या वो गाड़ी यहाँ आ जाएगी, या फिर इसी गाड़ी के थ्रू वहाँ बाहर ले जाएंगे। मैं आप लोगों को एक बंदा दिखाने वाला हूँ भाई, जो कि हर जुमे पर आ जाता है, और वो बंदा कहता है कि भाई मेरा नसीब जो है ना वो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो वो हर दफ़ा आ जाता है। मैं आपको उसकी तरफ आपको लेके चलता हूँ, मसला नहीं पड़ा। जो है ना हालात मुश्किल है, ये बंदे को देख सकते हो आप भागने लगा है, ये हर जुमे पे अपना नसीब बना के आता है। तो इस बंदे का मुंह आपको लाजमी देखा ना भाई, इधर मुँह करो, ये वाला जो बंदा है ना, ये भाई इसका नसीब आज बना नहीं बना, इधर मुँह करो, आपका नसीब नहीं बना, चल झूठा आपका नसीब गया। तो आप क्या कहना चाहोगे? नसीब आपका खत्म। तो अभी पेट को कहाँ करोगे? होटल पे। कुछ बताओ बंदों को, जाओ होटल पे बंदोबस्त करो, वरना ये महंगाई हो गई है, खाना बहुत महंगा मिलता है, आप क्या करोगे? पेट तो भरना बाबा,
किए हैं परिंदे। ये फट जाएगा अगर नहीं करोगे ना इसका बंदोबस्त। लांचर लगाए वो जो चार छह इंच वाला देख कर आए वो लगा देते हैं। मगर इसका पेट इतना मजबूत है कि लांचर भी इसमें नहीं जाएगा, उसको मुश्किल है। लग के वो तो फिर चला जाएगा, वापस ब्रेक हो जाएगा। हाँ वापस हो जाएगा। Later that same evening. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है, खैरियत ठीक ठाक दोस्तों। अभी हमारा दोस्त रियाज अहमद गिलाल आया हुआ है हमारे पास, तो भाई हमने सोचा कि वीडियो एक शूट कर लें। तो अभी वही सीन ही है कि भाई यूट्यूब पे वीडियो नहीं बनाता, क्योंकि भाई के जो है अपना टिकटॉक का आईडी, भाई के है टिकटॉक आईडी रियाज अहमद गिलाल के नाम से। तो भाई जो है टिकटॉक पे वीडियोज डालते हैं, इसकी वीडियोज लाइक करो और जो है वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो भाई, और अपने दोस्तों को भी बताओ रियाज के बारे में कि भाई इसकी जिसका जो अपना टिकटॉक चैनल है उसको ग्रो करें, उसको ग्रो करने में इसकी मदद करें और इसकी आईडी को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि भाई हमारा दोस्त फेमस हो जाए। ये वीडियोस भी बहुत जबरदस्त बनाता है और माशाल्लाह से मेहनत भी बहुत कर रहा है। रियाज भी मेहनत भी बहुत कर रहे हो आप? बिल्कुल मेहनत भाई, रियाज देखेंगे तो एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। अच्छी बहुत अच्छी अच्छी वीडियो देखेंगे भाई। तो भाई की जो मेहनत है वो बहुत ही ज्यादा है, तो भाई वीडियोस ज्यादा से ज्यादा जो है डेली बेसिस पे अपलोड करते हैं, तो भाई इसकी जो है आपने आईडी लाजमी सब्सक्राइब करनी है। The next day. दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हम लोगों ने ये हमारा ऑपरेटर गाड़ी में बैठा हुआ है, इसने जो काम करना था वो कर दिया है। तो अभी मैं आप लोगों को ये दिखा दूँ, ये हमारा जो है अपना ट्रक में लोड हो गया है। इसका जो हापर था मैंने आप लोगों को दिखाया था कल, वहाँ पर ये जो है लगा हुआ था, फिटेड था, अभी जो है ये अनइंस्टॉल हो गया है और यहाँ पर आ गया है। मैं आप लोगों को ये दिखाने जा रहा हूँ, ये देख सकते हैं आप कैसे खड़ा है, ये थोड़ा गाड़ी से बड़ा है, तो बाहर जो है बड़ी गाड़ी खड़ी हुई है तो ये उस पर लोड होगा ना। तो फिलहाल यहाँ से मूवमेंट करने के लिए हमने छोटी गाड़ी जो है मंगवाई है, उस पर ये जो है शिफ्ट कर रहे हैं। बाकी ये क्रेन आप देख सकते हैं, ये आप लोग देख सकते हैं जगह बिल्कुल अभी आज क्लियर हो गई। पहले जो ये वाली जगह थी आप लोगों को बता दूँ, ये वाली जगह जो पहले थी यहाँ पर ये वाला पड़ा हुआ था, तो इस वजह से ये सारा आप लोगों को वैसे मैं फील हो रहा था कि भाई ये सारा भरा हुआ है ना। तो अभी लाल कुछ बताओ भाई, इधर आओ कोई हाल वाल दो, ये किस तरह ये सारा करवा दिया आपने, ये जगह सारी खाली करवा दी? अच्छा नए काम पे सारा शिफ्ट कर रहे हो? ये दो किरण मंगवाई है क्या लाल आपने? मतलब पांच गाड़ियां मंगवाई हैं इनकोटा में। तो भाई लाल वाले भाई वालों ने पांच गाड़ियां मंगवाई हैं इनकोटा में। अभी भी आप लोग देख सकते हो ये वाला अनइंस्टॉल हो रहा है, हमारा तकरीबन काम अनइंस्टॉल हो गया। ये देख सकते हैं ये भी अनइंस्टॉल हो गया, पाकिस्तान का झंडा बोर्ड के ऊपर टैंक पे। अच्छा वो भी दिखाना था यार, पाकिस्तान का झंडा भी हमारे पिस्ट है ऊपर टैंक, ये 110 फुट ऊपर है यहाँ। हाँ लड़का कोई टावर से नीचे आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं ये वाला, तो ये पाकिस्तान का झंडा बन गया। दो साइड पाकिस्तान का झंडा है और दो साइड जो है कोरिया का झंडा बनाया है। अभी जो ये वाइट साइड आपको दिख रही है यहाँ पर कोरियन का जो है झंडा बना हुआ है, मगर ये धूप की वजह से आप लोगों को सही नज़र नहीं आ रहा। तो नेक्स्ट टाइम जब सुबह का टाइम होगा, फर्स्ट टाइम या जब सूरज इस साइड नहीं बल्कि इस साइड होगा, तो मैं आप लोगों को ये वाला ऊपर वाला जो है कोरियन का जो झंडा है वो भी आप लोगों को दिखा दूँगा। यार मैं भी खुद यही कह रहा हूँ कि इसको जो है ना इस पे बेल्ट बांध जाए, इन्होंने जो है ना खाली अपनी मशीन बात सुनो, इन्होंने ये बाकेट में गया और इन्होंने जो है ना रस्सियाँ बांधी, आप लोग देख गलती हो सकता है और साइडों से बंदे नहीं हो, सेफ्टी पर्पस के लिए इसको जो है ना साइड ने इसकी खाली कर दी। हम इसको एक्सीवेटर का धक्का लगाए ना, पकड़ रख के चले ले जाएंगे साथ साथ, फिर भी बेल्ट बंधवा दो बेहतर, ये क्या है खुद ये मच्छी खा के आया है रात, इसको सही ये देखो दाने वाने निकल रहे हैं, मगर ये मच्छी खा रहा है, दबा के मच्छी खा रहा उसे है, उसे नहीं मोड़ रहा, इसलिए कि भाई मच्छी तो कंपनी की है मगर जो टेबलेट 50-50 की लेंगे उसका हम अपने लेंगे, मसला नहीं है। बाकी 500 का खाना खा ले, 50 की टेबलेट लेना कोई मुश्किल बात नहीं। ये वाला दिखाना चाहता हूँ कि भाई ये जब ये अनइंस्टॉल होगा, इसका अनइंस्टॉल होने का तरीका ये है कि भाई ये वाला जो है इसको पहले ऊपर जो है ये पुश करेगा,
उसके बाद जो है ये जब ऊपर इसको थोड़ा सा जोर आएगा तो इसकी टांगें जो हैं इसके नीचे नट होते हैं। मैं आप लोगों को दिखा दूँ इस जगह पे, इस लोकेशन पे इसके नट होते हैं वो वाले, फिर जो है इजीली खुल जाते हैं। उसके बाद जो है इसके पाँव जो इसकी टांगें कहें या फिर इसके जो पैर हैं, फिट हैं, जो भी आप समझे, वो मतलब वो आसानी से एक तो लूज हो जाते हैं। उसके बाद इसको जो है स्मूथली हम लोग नीचे उतार सकते हैं, क्योंकि यार ये बड़ा इस पर वेट होता है। जब ये ऊपर से उतारते हैं तो भाई इसका मसला ये आता है कि इसके अगर टांगों में कोई मसला आ जाए तो ये गिर जाएगा, तो उसको गिरने से बचाने के लिए हम लोगों ने ये वाला जो है ऊपर जो है इसको हैंग करना पड़ता है। देख सकते हैं इसकी मूवमेंट शुरू हो गई, अभी ये जो है शिफ्ट करने दूसरी गाड़ी में ले रखने के लिए, क्योंकि ये गाड़ी है छोटी, ये अंदर के लिए है क्योंकि ये अंदर आ जाती है ईजीली, तो वो जो दूसरी गाड़ी है वो उसको यहाँ अंदर मतलब वो उसकी कैपेसिटी नहीं है अंदर आने की, तो इस वजह से इस गाड़ी में ये हम शिफ्ट कर रहे हैं। तो हमें अभी जो भी है ये वाली जो बड़ी गाड़ी में इसको रखेंगे, तो फिलहाल इसको छोटी गाड़ी में यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं। सारा सामान जो है हम लोगों ने इस दूसरी गाड़ी में शिफ्ट कर दिया है। इसमें जो जनरेटर है उसका वो भी अंदर पड़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। बाकी सारा सामान हम लोगों ने जो है छोटी गाड़ियों में रखा हुआ है। बाकी जो बड़े ट्रॉलर्स हैं उनमें ये जाएंगे, ये हापर वाला जो है ये वाला जाएगा, या वो जो आप देख सकते हैं पल्ला वाला वो भी बड़े ट्रॉलर में शिफ्ट होगा। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।